जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज हम लोग जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे का वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों मैं सीरीज लेकर गया हूँ कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन को हम चेकिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों जो लोग हम लोग सीख रहे हैं मोबाइल, अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने के लिए हम लोग चेकिंग कैसे करने वाले हैं, मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने का सिस्टम क्या होता है, कोई भी मोबाइल फोन आता है तो उस मोबाइल फोन को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करने का सिस्टम क्या है, इन सब चीजों के ऊपर आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्त मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टोर कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग के हम लोग टेक्निकली कोर्स कराते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पर जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सभी मोबाइल फोन को हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, चिप लेवल है, एडवांस लेवल, इस तरीके से कैसे हम लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग करते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने का तरीका क्या होता है या मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने के स्टेप्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के ऊपर मैं आपको दोस्तों वीडियो देता हूं ताकि आप मेरे पास आए और अच्छे तरीके से सीख करके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग के नाम पर सिर्फ काम्बो बैटरी या मल्टीमीटर के नाम पर सिर्फ बैटरी चेक करना जानते हैं और आज अगर हमारी इस वीडियो को देख लेते हैं तो वो मोबाइल फोन में काफी काम ऐसे ही सीख जाएंगे और मदरबोर्ड को चेक कर सकते हैं। मेन होता है दोस्त मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में आपको मदरबोर्ड को चेक करना, आपको मदरबोर्ड चेक करना आना चाहिए। अगर आपको मदरबोर्ड चेक करना नहीं आता तो आप मोबाइल फोन को नहीं ठीक कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पे आगे और हम समझते हैं आज हमारा जो टॉपिक होने वाला, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं पीसीबी के कंपोनेंट को चेक करना। हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन सारे कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे चेक करेंगे और उस कंपोनेंट्स को चेक करने का तरीका क्या होता है। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन नोकिया का हो, सैमसंग का हो, एलजी का हो, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, टैबलेट्स हो, किसी भी कैटेगरी का मोबाइल फोन का है ना हो, लेकिन मोबाइल फोन के अंदर मेन चीज जो होती है वो अंदर का प्लेट होता है। क्या होता है दोस्त? प्लेट होता है। अब इस प्लेट को चलाने के लिए टोटल 14 तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो हम लोग पीसीबी के अंदर जितने सारे कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों मैंने पहले के सेकंड वीडियो में मैंने आपको दिया हुआ था, डेमो क्लास के सेकंड वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि मोबाइल फोन के अंदर कितने तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हैं। आज मैं आपको फिर एक बार रिपीट करा देता हूं कि हमारे मोबाइल फोन को चलाने के लिए हमारे मोबाइल फोन के अंदर टोटल 14 तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, क्वाइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, क्रिस्टल, स्पीकर, रिंगर, माइक, वाइब्रेटर, डिस्प्ले, टच आईसी, इस तरीके से टोटल बैटरी 14 तरह के पार्ट्स लगे होते हैं जो हमारे पूरे मोबाइल फोन को चलाते हैं। अगर उन्हीं पार्ट्स में से कोई एक पार्ट खराब हो जाता है तो हमारा मोबाइल फोन काम करना बंद कर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी पार्ट को चेक करते हैं, उसी पार्ट को रिपेयर करते हैं। अगर वो पार्ट खराब हो जाएगा तो उस पार्ट को दोस्तों आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे सीधे सीधे और आपके मोबाइल फोन में से प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं अपना टॉपिक के ऊपर और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला, आज हम लोग पार्ट्स के बारे में समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आज हम जो सिखाएंगे आपको मोबाइल फोन में से रजिस्टर आज हम लोग जो टॉपिक में बात करने वाले हैं मोबाइल फोन में रजिस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको रजिस्टर टॉपिक के ऊपर बताऊंगा, मतलब मोबाइल फोन के अंदर 14 कंपोनेंट्स में से हमारा ये पहला कंपोनेंट है। अच्छा, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो लोग ऐसे कॉपी पेन लिए बैठे हैं पूरा अच्छे से नोट कर लो चिपक के। अगर आपको अच्छे से नोट कर लेते हो और आपको मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ उसको एक बार दो बार रिविजन करते हो, आपको ये सब चीजें जरूर समझ में आएंगी और आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग करना बहुत सहज होगा। हमारे सिखाए हुए बातों को समझो और मदरबोर्ड में से उसका प्रैक्टिकल करो, आपको गारंटी के साथ में कहता हूं। जो ऐसे फ्रेशर लोग हैं और अगर वो भी समझना चाहते हैं तो कोई भी एक मोबाइल फोन स्क्रैप मोबाइल फोन पकड़ लीजिए और मोबाइल फोन को खोल डालिए, उसके अंदर का प्लेट निकाल लीजिए, जो जो बातें हम समझाते हैं उसको समझिए और प्रैक्टिकल करिए, आपको काफी हद तक काफी कुछ काम आ जाएगा और आपको तरीका पता चलेगा कि रिपेयरिंग होता कैसे, रिपेयरिंग किया कैसे जाता है, रिपेयरिंग को सीखा कैसे जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है रजिस्टर, तो रजिस्टर के बारे में हम लोग समझेंगे और रजिस्टर को चेक करने का तरीका जानेंगे कि मोबाइल फोन के अंदर जो रजिस्टर लगा होता है उस रजिस्टर को चेक कैसे किया जाता है, रजिस्टर को टेस्ट करने का तरीका क्या होता है। अब सबसे पहली बात मैं आपको रजिस्टर के बारे में समझाता हूं, रजिस्टर क्या चीज है। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है
रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को कम करता है। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को कम करता है। हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो भी सप्लाई आती है उस सप्लाई को कम करने काम करता है। तो रजिस्टर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, बहुत छोटा सा कंपोनेंट लगा होता है और इसका काम होता है मोबाइल फोन में से सप्लाई को कम करना। यानी जो भी करंट चल रहा होता है, करंट का जो फ्लो होता है, उस फ्लो को क्या काम करता है, कम करता है। तो रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को क्या करता है, दोस्त, कम करता है। अब देखिए देखने में कैसा होता है, बोर्ड में जब आप देखेंगे तो बोर्ड में आपको पहचानने के तौर पर जब आप देखेंगे तो आप उसको कैसे देख पाएंगे, जिस काम को हम लोग बोलते हैं इसकी भाषा में रियल शेप। रियल शेप को हिंदी में बोलते हैं बनावट। मतलब रजिस्टर जो डिजाइन में कैसा होता है, जब आप रजिस्टर को देखेंगे तो मदरबोर्ड में से आप डिजाइन में आप उसको कैसे पहचान पाएंगे, डिजाइन में आपको कैसा दिखाई देगा। तो रजिस्टर को देखने का तरीका क्या होता है, उसका डिजाइन आकृति कैसा होता है, इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहली चीज होता है रजिस्टर। रजिस्टर पहला रजिस्टर जो होता है ये दो साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है। जो साइड में सिल्वर होता है कैसा होता है, बीच में ब्लैक होता है। इसके साइड के जितने दोनों पॉइंट्स होते हैं, ये दोनों पॉइंट्स कैसे होते हैं, सिल्वर होते हैं, और बीच का पूरा कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। एक पहला ऐसा रजिस्टर दिखता है। ऐसे रजिस्टर को दोस्त लोग हम लोग बोल चाल की भाषा में HVR भी कहते हैं। HVR का पूरा नाम होता है हाई वैल्यू रजिस्टर। HVR का पूरा नाम क्या होता है, हाई वैल्यू रजिस्टर। उसके बाद फिर तुम्हारा दूसरा रजिस्टर होता है जो साइड में से सिल्वर होता है, बीच में से ऐसा नंबर लिखा होता है। जो नंबर लिखा होता है ये नंबर इसकी वैल्यू होती है। तो ऐसे रजिस्टर को हम लोग बोल चाल की भाषा में LVR कहते हैं। LVR का मतलब होता है लो वैल्यू रजिस्टर। क्या बोलते हैं, लो वैल्यू रजिस्टर। तो साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HVR बोलते हैं, हाई वैल्यू रजिस्टर। और साइड में सिल्वर, बीच में ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, LVR। LVR का मतलब तो लो वैल्यू रजिस्टर। ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, साइड में सिल्वर होता है, बीच में से R22 ऐसा कुछ नंबर लिखा होता है। एक रजिस्टर आपका होता है साइड में सिल्वर होता है, बीच में से जीरो लिखा होता है। जो बीच में जीरो लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजेबल रजिस्टर। क्या बोलते हैं, फ्यूजेबल रजिस्टर। जो ब्लैक कलर का होता है, साइड में से सिल्वर होता है, उसमें से जीरो लिखा होता है, कई बार जीरो लिखा होता है, कई बार F लिखा होता है, कई बार K लिखा होता है, ऐसा भी देखा जाता है। तो ये साइड में सिल्वर, बीच में ब्लैक कलर का होता है, जीरो लिखा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजेबल रजिस्टर बोलते हैं। उसके बाद आपका एक और रजिस्टर होता है, ये भी ब्लैक कलर का होता है, लेकिन इसका एक हिस्सा ग्राउंड होता है, नेगेटिव होता है, एक हिस्सा हमारा इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे रजिस्टर को हम लोग बोलते हैं VDR। क्या बोलते हैं, VDR। VDR का पूरा नाम होता है वेरिएबल डिपेंड रजिस्टर। VDR का पूरा नाम होता है वेरिएबल डिपेंड रजिस्टर। उसके बाद एक आपका और रजिस्टर होता है, ये भी साइड में सिल्वर, बीच में ब्लैक कलर का ही होता है, और ये काफी हाई वैल्यू का रजिस्टर होता है। और ऐसे रजिस्टर को हम लोग दोस्तों बोलते हैं थर्मिस्टर। ये थर्मिस्टर जो होते हैं दो क्वालिटी के आते हैं, या दो तरह के आते हैं, दो टाइप के आते हैं, दो प्रकार के आते हैं। एक होता है NTC, दूसरा होता है PTC। NTC का पूरा नाम होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, PTC का नाम होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। अब ये हमारा जो रजिस्टर होता है, ये मोबाइल फोन में, जितने मोबाइल फोन में 5 अलग अलग आकृति में पाए जाते हैं, सबका काम एक ही है, सप्लाई को कम करना। एक आपका जो ब्लैक कलर का होता है, हाई वैल्यू का होता है, थोड़े से ज्यादा सप्लाई को कम करता है, डिपेंड करता है इसी वैल्यू के ऊपर, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा करंट को कम करेगा। इसका साइड में सिल्वर, बीच में ब्लैक कलर का नंबर लिखा होता है, LVR जो मोस्टली ट्रैक को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है।
फ्यूजिबल रजिस्टर होता है, ये भी किसी सप्लाई को जोड़ने का ही काम करता है मोस्टली। और VDR रजिस्टर होता है, ये हमारे पार्लर में लगा होता है, ये हमारे सप्लाई को बैलेंसिंग और सप्लाई को अपोज करने में काम करता है। थर्मिस्टर रजिस्टर जो होता है, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करता है। कि जैसे हमने देखा होगा कि आपके मोबाइल फोन में से कई बार फोन चलते चलते गर्म हो जाता है, गर्म होते ही उसमें से एक मैसेज आता है कि फोन इज ओवर हीटिंग, लो टेम्परेचर शट डाउन, और मोबाइल फोन हमारा बंद हो जाता है। तो ये हमारे ऐसी जगह पर, ऐसी चीजों पर हमारा थर्मिस्टर का उपयोग किया जाता है। या मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारी आईसी लगी होती है, जैसे पावर आईसी है, सीपीयू आईसी है, जो चार्जिंग आईसी, ऐसी आईसी होती है जो गर्म होती है, तो गर्म होने की वजह से मोबाइल फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए या हीटिंग की कोई समस्या हो तो इससे हमारा मोबाइल फोन खराब ना हो जाए, वहां पर हम लोग क्या काम करते हैं, सर्किट के अंदर थर्मिस्टर डाल दिया जाता है। तो थर्मिस्टर डालने से क्या होता है कि जैसे हमारा मोबाइल फोन के मदरबोर्ड का अगर वो पार्ट या वो हिस्सा वो अगर गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद हमारे मोबाइल फोन की सप्लाई एकदम से इसके माध्यम से शॉर्ट मारती है और मोबाइल फोन एक बार के लिए बंद हो जाता है। तो बंद होने से फायदा क्या रहता है कि आपके मोबाइल फोन की सप्लाई क्या हो जाएगी, जब ट्रिप होगी तो फोन बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद जब फोन दोबारा फिर से चालू होगा तब उसको चालू करेंगे तो वहां पर उस आईसी को थोड़ा सा रिस्टार्ट या रीसेट होने का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि आईसी खराब होने से, जलने से, बर्न होने से, फूकने से बच जाती है और हमारा सर्किट श्योर रहता है, प्योर रहता है, अच्छी तरीके से काम करता रहता है। हमारे देखना जितने भी मोबाइल फोन के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं, जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो दोस्त एक रांगे के सारे लगे होते हैं, एक सोल्डर के सारे लगे होते हैं, कोई स्क्रू ड्राइवर, मल्टीमीटर से कोई ऐसा बिल्कुल फिक्स चिपके हुए नहीं होते हैं, ये एक रांगे के सारे लगे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, रांगे का टेम्परेचर अगर 250-300 तो जैसे ही 350 तो ऊपर निकलेगा तो वो पिघल जाएगा। तो इसीलिए वहां पर ऐसी चीजों का उपयोग किया जाता है जिससे हमारा सर्किट सही रहे और मोबाइल फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये 5 अलग अलग तरीके के रजिस्टर लगे होते हैं, इनको हम लोग बोर्ड में पहचानना भी सीखेंगे, बोर्ड में कैसे पहचाना जाता है उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा और आप चेक कैसे कर पाएंगे उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो ये साइड में सिल्वर, बीच में ब्लैक कलर के होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रियल शेप। क्या बोलते हैं? रियल शेप। रियल शेप का मतलब तो डिजाइन, आकृति। इसका डिनोटिंग लेटर रजिस्टर का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो होता है आर। रजिस्टर को डिनोटिंग लेटर आर होता है, या शॉर्टकट में इसको आर बोलते हैं। सिंबल, सिंबल, सिंबल का मतलब होता है निशान। रजिस्टर को जब आप देखेंगे तो रजिस्टर आपका देखने में कैसा होता है, उसका सिंबल कैसा होता है, उसका निशान कैसा होता है। रजिस्टर जो होता है इस तरीके का सिंबल होता है, ये डिनोटिंग लेटर आर होता है, इसका क्या होता है? सिंबल। इसका वर्क होता है, सप्लाई को कम करना। क्या करना? सप्लाई को कम करना। हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में से रजिस्टर का क्या काम होता है? सप्लाई को कम करना। तो डिनोटिंग लेटर इसका आर होता है, ये इसका सिंबल होता है, इसका वर्क होता है सप्लाई को कम करना। जो भी हमारे मोबाइल फोन में करंट आता है उस करंट को क्या करता है? कम करता है, सप्लाई को कम करता है। तो इस रजिस्टर जो होता है ये डिनोटिंग लेटर आर होता है, इसका सिंबल होता है, इसका वर्क होता है सप्लाई को कम करना। करंट जो आ रहा है उस करंट के रास्ते में रुकावट होता है, उसको कम करता है, सप्लाई को कम करता है, अपोज करने का काम करता है। तो ये हमारा होता है। अब अच्छा, कम कितना करता है ये डिपेंड करता है इसकी वैल्यू के ऊपर। इसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होती है उतना ही ज्यादा करंट को क्या कर पाता है? कम कर पाता है। अब बात आता है इसका यूनिट। यूनिट का मतलब इसका इकाई क्या होता है? इसका इकाई होता है ओम या किलो ओम, मेगा ओम, इस तरीके से इसको हम लोग इसमें काउंट करते हैं। तो यूनिट, यूनिट का मतलब होता है ओम, इसको ओम में काउंट किया जाता है, ओम में इसके यूनिट होता है। जैसे हमारा वजन का होता है ग्राम, किलोग्राम, दूरी का किलोमीटर, टेम्परेचर के लिए, उसी तरीके से इसका भी 2 यूनिट होता है जिसको हम लोग ओम में काउंट करते हैं। क्या बोलते हैं? ओम। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करने का तरीका क्या होता है, आप इसको चेक कैसे कर पाएंगे। इसका टेस्टिंग होता है, मैंने मल्टीमीटर मैंने आपको चलाना पहले कल बताया था, कल की वीडियो में। इसका टेस्टिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहली बात, मोस्टली मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं। कहां पर सेट करते हैं? बीप पॉइंट पर, बजर रेंज पर सेट करते हैं। अच्छा, जो तुम्हारा बजर पॉइंट होता है या बीप पॉइंट होता है, इस बीप पॉइंट पे बीप आती है प्लस इसमें 2000 ओम,
2 किलो ओम यानी 2000 ओम तक की वैल्यू आ जाती है। जैसे रजिस्टर 1200 है, 1300 है, 1400, तो वैल्यू ये काउंट कर लेता है। तो मल्टीमीटर को भी पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर बीप या वैल्यू दे तो ओके। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर बीप या वैल्यू दे तो ओके। क्या करते हैं, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करेंगे। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन में इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर बीप दे या वैल्यू दे तो ओके। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर अगर ये बीप वैल्यू देता है तो सही है, नहीं देता तो खराब है। दूसरी टेस्टिंग होती है मल्टीमीटर को ओम पॉइंट पर सेट करते हैं। मल्टीमीटर को ओम पॉइंट पर सेट करते हैं, कहां पर सेट करते हैं, ओम पॉइंट पर सेट करते हैं। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन के अंदर मल्टीमीटर को ओम पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वैल्यू दे तो ओके। मल्टीमीटर का दोस्त मल्टीमीटर को ओम पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वैल्यू दे तो ओके। अगर आप इसको चेक करोगे और चेक करने पर वैल्यू देता है तो सही है, अगर वैल्यू नहीं देता तो खराब है, फॉल्टी। मैं ये भी लिख देता हूं, कुछ ना दे तो खराब है। अगर आप इसको चेक करोगे, चेक करने पर कुछ नहीं देता तो हमारा क्या है, खराब है। तो जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन में से हम लोग रजिस्टर को चेक करते हैं। देखिए मैं एक बार दोबारा आपको अच्छे से समझा देता हूं, आप लोग इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे आपको समझा रहा हूं आप इसको नोट करिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। पहली बात तो रजिस्टर, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में सीख रहे हैं, पीसीबी में लग के कंपोनेंट्स के बारे में सीख रहे हैं। तो रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को कम करता है। इसका काम क्या होता है, सप्लाई को कम करना। रियल से बनावट कैसा होता है, साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्लैक कलर का होता है, या तो नंबर भी लिखा होता है, इसमें 0 लिखा होता है, या तो वीडीआर लगा होता है, या तो थर्मिस्टर लगा होता है। इसका डिनोटिंग लेटर आर होता है, ये इसका जिगजैग जैसा ऐसा सिंबल बना होता है। इसका काम होता है सप्लाई को कम करना, हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो करंट आ रहा है उस करंट को क्या करता है, कम करता है। इसका यूनिट होता है ओम, किलो ओम, मेगा ओम, इस तरीके से इसका यूनिट होता है। टेस्टिंग होता है मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, बजर पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर। अगर आप मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करेंगे, चेक करने पर यदि बीप वैल्यू देता है, क्या देता है, चेक करने पर बीप वैल्यू देता है, बीप वैल्यू देता है तो सही है, बीप वैल्यू नहीं देता तो खराब है। मल्टीमीटर को ओम पॉइंट पर सेट करते हैं, ओम पॉइंट पर सेट करने पर चेक करने पर अगर वैल्यू देगा तो सही है, कुछ नहीं देगा तो खराब है। तो इस तरीके से आपके पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं तो आप रजिस्टर को आप क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं बात करता हूं कि इसको आप प्लेट में कैसे पहचानेंगे, मदरबोर्ड में कैसे पहचानेंगे। मैं आपको मदरबोर्ड में इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं कि मदरबोर्ड में आपको दिखाई कैसे देता है। अब देखिए मैं मोबाइल फोन में आपको बताता हूँ मोबाइल फोन में रजिस्टर को पहचानें कैसे। आप देखिए आपके ब्लैक कलर के जो लगे होते हैं ये छोटे छोटे, ये सारे रजिस्टर होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, रजिस्टर होते हैं। ये देखिए ये आपके जितने भी लगे होते हैं ये आपके रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर जो होता है इसके दोनों पॉइंट में चेक करेंगे, दोनों पॉइंट इसके कैसे होते हैं, सिल्वर होते हैं। ये बीच में ब्लैक कलर का जो होता है ये आपका क्या होता है, बॉडी होती है। मोबाइल फोन के अंदर सबसे छोटा पुर्जा जो लगा होता है वो तुम्हारा रजिस्टर होता है। रजिस्टर साइड में सिल्वर होता है, बीच में कैसा होता है,
ब्लैक कलर का होता है। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर रजिस्टर आपका पाया जाता है। ये जितने भी सारे लगे इनको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं भैया? रजिस्टर। चलिए मैं आपको बोर्ड में ऊपर दिखाता हूँ। ये आपके बोर्ड के अंदर जितने भी ब्लैक कलर के लगे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर। ये ब्लैक कलर के लगे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर। ये जो ब्लैक कलर लगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर। ये आपके मोबाइल से जो ब्लैक कलर लगा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर। जो काले काले चमकने हुए लग रहे हैं ये सारे क्या है? रजिस्टर है। इस रजिस्टर में सब एक रजिस्टर ऐसा भी होता है जिसका एक हिस्सा ग्राउंड होता है दूसरा हिस्सा प्लस होता है। ऐसे रजिस्टर को मोस्टली थर्मिस्टर या वीडीआर के रूप में यूज किया जाता है। जो थर्मिस्टर होते हैं या वीडीआर होते हैं ये भी जैसे अगर देखेंगे हिस्सा ग्राउंड है दूसरा हिस्सा प्लस है तो ये तुम्हारा वीडीआर या तो थर्मिस्टर होगा। और ये जो ब्लैक कलर लगे होते हैं ये सारे ब्लैक ब्लैक जो मोबाइल फोन के अंदर लगे होते हैं ये सारे रजिस्टर पाए जाते हैं। रजिस्टर काम होता है मदरबोर्ड में सप्लाई कम करना। अब देखिए मेरे पास ये बोर्ड है। इस बोर्ड में से एक बार मैं तुमको आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ और इस बोर्ड में से आपको पहचानता हूँ कि आप मोबाइल फोन में रजिस्टर को पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। अब देखिए अगर आप देखेंगे ये मोबाइल फोन के अंदर प्लेट लगा है। इस प्लेट के अंदर अगर आप देखेंगे गौर से देखिए तो इसमें से आप देखेंगे तो इसमें से जीरो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जीरो। ये आपका जीरो का मतलब होता है फ्यूजेबल रजिस्टर है। क्या है? ब्लैक कलर का लगा है, दिख रहा है इसमें जीरो लिखा है। ये मेरे पास एंड्रॉइड बोर्ड है। इस एंड्रॉइड बोर्ड में से जब आप देखेंगे तो मदर बोर्ड के अंदर जितने छोटे छोटे पार्ट्स लग रहे हैं अगर आप इसमें से गौर से देखेंगे, देखिए अगर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा ये देखिए ये जितने भी लगे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूजेबल रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजेबल रजिस्टर। और आपके मोबाइल फोन के अंदर जितने भी काले काले ब्लैक कलर के लगे होते हैं ये छोटे छोटे ब्लैक कलर लगे होते हैं ये सारे तुम्हारे क्या होते हैं? मोबाइल फोन के अंदर रजिस्टर होते हैं। आप देखेंगे जो भी ब्लैक कलर के दिखते हैं जब आप मदरबोर्ड के अंदर देखेंगे तो जितने छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ये सारे तुम्हारे आपके मदरबोर्ड के अंदर रजिस्टर लगे होते हैं। रजिस्टर का काम होता है मोबाइल फोन में से सप्लाई को कम करना। अगर रजिस्टर खराब हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में से सप्लाई कम नहीं हो सकती। तो ये दोस्तों जितने भी ब्लैक कलर लगे होते हैं इनको सबको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। अगर रजिस्टर खराब हो जाएगा तो आपका मोबाइल फोन काम करना बंद कर देगा। अब देखिए और भी रजिस्टर कई अलग अलग तरह के होते हैं। देखिए मैं तुमको गूगल पे भी दिखा देता हूँ, आप इनको गूगल पे इमेजेस को देख भी सकते हो। रजिस्टर देखिए ये ब्लैक कलर के ऐसे बैंड रजिस्टर बोलते हैं, टीवी रेडियो में यूज करे जाते हैं। मैं थोड़ा सा इमेजेस में क्लिक करता हूँ, कई सारी इमेजेस आपको दिखा सकता हूँ। ये ब्लैक कलर के ये सारे रजिस्टर लगे होते हैं। अब मोबाइल फोन में जो यूज होते हैं इनको हम लोग इसको हम लोग एसएमडी रजिस्टर बोलते हैं। जितने भी मोबाइल फोन जो ब्लैक कलर लगे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है साइड में सिल्वर होता है, बीच में कैसा होता है? ब्लैक कलर का पाया जाता है। जो भी हमारे पास मोबाइल फोन होते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर का काम होता है सप्लाई को कम करना। क्या काम करना? सप्लाई कम करना। ये साइड में सिल्वर होता है, बीच में कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। ये देखिए ये जितने भी ब्लैक कलर के होते हैं ये सारे आपके रजिस्टर होते हैं जो मोबाइल फोन में आपके यूज करे जाते हैं। अगर आप इनको देखना चाहें तो आप इनको देख सकते हैं। ये रजिस्टर खराब हो जाएगा तो सप्लाई हमारी कम नहीं होगी। क्या नहीं होती? सप्लाई कम नहीं होती। तो इसका काम होता है मोस्टली सप्लाई को कम करना। ये देखिए साइड में इसके दोनों पॉइंट सिल्वर होते हैं, बीच में ब्लैक कलर का साइनिंग होता है, चपटा सा होता है। बिल्कुल कैसा होता है? चपटा सा होता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि मोबाइल फोन के अंदर रजिस्टर क्या है और रजिस्टर को आप कैसे पहचानेंगे, रजिस्टर को चेक करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लाइन में काम कर रहे हैं लेकिन मोबाइल फोन के अंदर पार्ट्स को नहीं पहचान पाते हैं, मोबाइल फोन की चीजों को मल्टीमीटर के माध्यम से चेक नहीं कर पाते हैं, तो मल्टीमीटर के माध्यम से मोबाइल फोन को नहीं ठीक कर पाते हैं। तो सबसे पहली बात है आपको पार्ट्स को पहचानना आना चाहिए, पार्ट्स को मदरबोर्ड में देखना आना चाहिए, मदरबोर्ड में कौन सा पार्ट्स लगा है, क्या काम कर रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप अच्छे तरीके से मोबाइल फोन को ठीक कर पाएंगे ना। अगर आप मोबाइल फोन एक बेहतर और एक अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आप दोस्त मदरबोर्ड की रिपेयरिंग को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और मदरबोर्ड रिपेयरिंग पर थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से काम करिए और अपने हैंड स्किल को परफेक्ट करिए, तभी आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कंप्लीट काम कर पाएंगे। दोस्तों ये सारी वीडियो आपके हेल्पिंग के लिए है, आपको सिखाने के लिए है, ताकि आप वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीख सकें
और जब आप हमारे पास सीखने के लिए आएंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें जानकारी में आपको सिखाया जाता है कि रजिस्टर मोबाइल फोन में कैसे काम करता है, रजिस्टर को सीरीज पार्लर में लगाया जाता है तो कैसे काम करता है, रजिस्टर सर्किट में कैसे काम करता है, करंट को कितना कम कर सकता है, क्या उसकी वैल्यू होती है, इन सब चीजों के बारे में और आपको डिटेल में बताया जाता है ताकि आप सीख करके आप एक बेहतर टेक्नीशियन और अच्छा मदरबोर्ड को रिपेयर करना आप सीख जाते हैं। तो ये दोस्तों हमारा सिखाने का तरीका है। और जितने भी सारे लोग हैं जो बाहर से बच्चे आना चाहते हैं तो अपना सीट बुक करके ही आए ताकि जब बैच स्टार्ट होता है तो उसी टाइम पे आप पहुंचे, ऐसे बीच में ना आए। इसके बीच में आने से तुमको भी परेशानी होती है, हमको भी परेशानी होती है, और हॉस्टल में उतना स्पेस होना भी चाहिए कि पता चला सब लोग इकट्ठा आ गया, अब बाद में पता चला जब टाइम पे आने का बैच के टाइम है तो नहीं आ पाए। तो इसलिए क्या आपको ऐसा आना है ताकि हम आपको सिखा पाए और आप भी अच्छे तरीके से सीख पाए, अच्छे तरीके से सीख करके जाएं और बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो दोस्त हम लोग इस तरीके से सिखाते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर कानपुर सागर मार्केट में पड़ता है। यहाँ पर पूरा मोबाइल फोन का ही मार्केट है, चारों तरफ से दुनिया जान का आदमी मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए आता है। तो जब यहाँ पर आप आएंगे तो आप बेहतर और अच्छी तरीके से सीखेंगे और अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी आती है तो आप हमको मैसेज करें, और अगर किसी तरीके का कोई समस्या आती है तो भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और अगर इसी तरीके से आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बारे में पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मोबाइल फोन के बारे में पूरा कंप्लीट आप सीखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नीचे दिए स्क्रीन पर नंबर आपको दिया होता है 6391711711। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें वीडियो कॉल के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे क्लासेस चल रही है, कैसे कोर्स के बारे में आपको सिखाया जाता है, A to Z इन सब चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, ताकि आप सब चीजों को अच्छे से सीखें। ओके भैया।